नेशनल पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। आज 74वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को भटनी शहर में स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस ऐतिहासिक पर्व के शुभ अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भटनी नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बलराम जायसवाल, नेशनल पब्लिक स्कूल के निदेशक माननीय संजय शंकर मिश्र जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मृदुला सिंह बघेल जी, कोआर्डिनेटर खुशबू जायसवाल, पल्लवी मिश्र, चंदा मिश्रा, मुरली गुप्ता, रानी शुक्ला, शुभम जायसवाल, अंबालिका पांडे, अक्सा खातून आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मृदुला सिंह बघेल जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार और अभिमान के रावण को खत्म करके ही हम सही मायनों में आज़ाद हो पाएंगे। देशभक्तों की कुर्बानियों को याद करते हुए प्रधानाचार्य महोदया ने कहा कि देशभक्तों के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं। हमसे कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। भारत माता की, भारत माता की। आज 26 जनवरी के अवसर पे नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी श्री संजय मिश्रा जी, विद्यालय की प्रिंसिपल खुशबू जायसवाल जी उपस्थित, मिस मृदुला सिंह जी उपस्थित, सभी गणमान्य प्यारे बच्चों, आज हम ये जो महापर्व है भारत का, आज ही के दिन हम कानून से उत्प्रोत हुए थे, कानून में बंधे थे हम। आप जिसे हमें यह देखने को ये मिलता है कि कानून में बंध गए, स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता का मतलब उड़नता नहीं होता बच्चों। स्वतंत्रता का मतलब होता है माँ बाप का कहना माने, विद्यालय में जो भी आपके शिक्षक हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। मतलब भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान देगा और भगवान से भगवान के विषय में बताएगा, इसलिए गुरु महान है। अपना बंद कर इस अवसर पे मैं अपने शिक्षिकाओं, शिक्षक मित्रों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आपको हमारे गार्जियन, हमारे जो बच्चों के गार्जियन हैं, एक मिट्टी का लोथड़ा दिए हैं, मिट्टी का टुकड़ा दिए हैं, और आपको कुम्हार का काम करना होगा, अच्छे से अच्छे घड़ा बनाना होगा, क्योंकि ये बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, इनको कितना बढ़िया आप बना लेंगी ये आप पे निर्भर करता है। और निश्चय विश्वास है कि आप लोग इस महान कार्य को करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और बहुत नहीं बोलते हुए इन सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।